चित्रकूट के घाट पर भाई चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं चित्रकूट में। ये है रामघाट और आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत ये प्लेस है। और यहाँ पे ऐसी कई सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। तो कैसे आप चित्रकूट घूम सकते हैं, क्या टूर प्लान हो सकता है, क्या बजट हो सकता है और कौन सी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी यूजफुल टिप्स इस वीडियो में जानने को मिलेंगी चित्रकूट के बारे में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए चित्रकूट। चित्रकूट जो कि एक धार्मिक स्थल है। चित्रकूट में रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चित्रकूट धाम है, जहां दिल्ली मुंबई से डायरेक्ट ट्रेन्स भी हैं। यहां पर आप बाई बस भी आ सकते हैं और प्रयागराज से आपको यहां की डायरेक्ट बस रेगुलर मिल जाएगी। चित्रकूट में एयरपोर्ट भी है पर अभी यहां का एयरपोर्ट प्रॉपरली एक्टिव नहीं है। होटल से जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने ऑटो कर ली है और 400 रुपीज़ में मैंने ऑटो की है और यहाँ की सारी प्लेसेस को आज विजिट करूँगा ऑटो से ही। चलो भाई, आज सबसे पहले मैं हनुमान धारा के लिए निकला। हनुमान धारा मेन चित्रकूट से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ जाने का रास्ता काफी खराब है। 10 मिनट में ही हम हनुमान धारा पहुंच गए और अब हमें यहां से ऊपर चढ़ाई चढ़नी थी। हनुमान धारा की सीढ़ियों पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां से 700 सीढ़ियों को पूरा करना होगा और फिर उसके बाद हम लोग हनुमान धारा तक पहुंचेंगे। यहां पे पूरी तरह से खाली है, कोई भी टूरिस्ट अभी यहां पे नहीं दिख रहा है। शायद हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं, अभी 8 ही बज रहे हैं, पर जनरल डेज में यहाँ पे लोग होते हैं पर अभी नहीं है। और देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोग को ऊपर पहुँचने में। हम लोगों ने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया 700 स्टेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और लगभग 450 से नीचे से स्टार्ट हुआ है, तो शायद आई थिंक 450 स्टेयर्स ही हैं। हम लोग अभी 240 के आसपास पहुंच गए हैं। लगभग 15 मिनट की चढ़ाई के बाद हम हनुमान धारा टेम्पल पहुंच गए। जो ये धारा चल रही है, हाँ, राम जी ने बाण मार की धारा को निकाला है। अच्छा। राम जी ने एक बाण मारने पर 7 धाराएं निकली थी। अच्छा। इसलिए महाराज की धारा 24 घंटे 12 महीने चलती रहती है, इसे का हनुमान धारा बोलते हैं, इसलिए हनुमान धारा बोला जाता है। अच्छा। हम लोग को यहाँ पे लड्डू का प्रसाद मिला है और ये आप देख सकते हैं, ये एक धारा और है और इसी तरह बाकी यहाँ पे आप आगे देखेंगे नरसिंह धारा आप यहाँ पे देखेंगे नरसिंह महाराज का रूप। ये आपको व्यू भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और ये आप पूरा देख रहे होंगे ऊपर से आ रही है काफ़ी। ये 12 महीने इसी तरह चलता रहता है। हनुमान धारा में आप चाहे तो ये पालकी से भी जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आप ये देख रहे होंगे। मैं रेट पूछ लेता हूँ, पूछोगे कितने का? ₹600-700 में आप ये पालकी बुक कर सकते हैं और इससे आप हनुमान धारा तक जा और आ सकते हैं। ये मेरे होटल का रूम है, आप देख रहे होंगे डबल बेड रूम है, टीवी है, बड़ी स्मॉल सी है, क्यूट सी छोटी सी टीवी है, एयर कंडीशन रूम है और स्पेस है यहाँ पे काफ़ी, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है। इसके साथ ही ये आप देख रहे होंगे ये वॉशरूम है, ये भी बड़ा सा है और सबसे बड़ी बात पहली बार मैं देख रहा हूँ वॉशरूम में फ़ैन भी लगा हुआ है। तो होटल का ये जो रूम है ये काफ़ी अच्छा है,
मेरे हिसाब से, और इसका जो मैंने दिया है किराया एक दिन का वो लगभग 1000 रुपये है। 1000 रुपये में मैंने यहाँ पे बुक किया है, और आसपास में कई सारे ऐसे होटल हैं जहाँ आपको रहने के लिए मिल जाएगा। ये जो होटल है इसका नाम है होटल अशोक, और रामघाट के पास में ही है, और काफ़ी अच्छा होटल है, सर्विस भी अच्छी है, और लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, उसके थ्रू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा होटल है, आप सर्विस ले सकते हैं। और बाकी अगर सीज़न वगैरह में आएंगे तो शायद यहाँ पे आपको 1000 रुपये से ज़्यादा भी एयर कंडीशन के लिए देना पड़े, और बाकी अगर नॉन एसी लेते हैं तो आपको 700-800 तक में मिल जाएगा। हनुमान धारा के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सती अनसुईया टेम्पल के लिए, और रास्ता कहीं पे ख़राब है तो कहीं पे थोड़ा ठीक है, पर ज़्यादातर ख़राबी है आप देखोगे तो। हालांकि थोड़ा आगे जाते ही रोड्स काफी अच्छी थी। हनुमान धारा से सती अनसुईया देवी टेम्पल केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ रास्ते में इतने सारे एनिमल्स हैं, बंदर आपको दिखेंगे, लंगूर दिखेंगे, हिरन दिखेंगे, इवन लोकल यहाँ कहते हैं कि टाइगर वगैरह भी आता है। हर जगह यहाँ पे आपको खूब सारे बंदर वगैरह, सब तरह के जानवर यहाँ पे दिख जाएंगे, और काफ़ी मतलब कह सकते हैं रोमांचक सफ़र है सती अनसुईया देवी तक जाने का। रोड भी बहुत अच्छी है, और अभी इन लोग का खाने का टाइम है, खाना इन लोग का आता है डेली ऑटो से यहाँ पे, इसीलिए रोड पे भरे पड़े हैं, और बहुत ही अच्छा सफ़र है। मतलब ये जो पूरे रोड का है पूरा एकदम आपको नेचुरल लगेगा, और सारे एनिमल्स आपको बहुत सारे दिखेंगे। यहाँ से जानवरों के लिए हर दिन काफी मात्रा में चित्रकूट से खाना आता है, और जानवरों में हर सुबह इसे बांटा जाता है। हम लोग आ चुके हैं सती अनसुईया देवी टेंपल में, आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, काफी बड़ा सा ये टेंपल बना हुआ है, पीछे ये आप देख रहे होंगे पहाड़ भी है, उसकी चट्टाने दिख रही है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बाढ़ का पानी यहाँ पे आया हुआ है, बहुत आगे तक आ जाता है जब और भी भरा हुआ होता है, पर जनरली लोग यहाँ पे नहा भी लेते हैं, और अमेजिंग जगह है यहाँ पे, मतलब बहुत ही नेचुरल प्लेस है, और यहाँ आने का रास्ता भी बहुत ही अमेजिंग है। ये आप देखिए टेंपल भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सती अनसुईया देवी चित्रकूट का बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है, जहाँ अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ तप किया था। ये आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों पर बसा है, जो कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है, और इसके किनारे पर मंदाकिनी नदी बहती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे बंदरों को और लंगूर जो भी हैं, इनको पूरियाँ वगैरह दी जा रही हैं खाने के लिए। डेली का इन लोग का यहाँ पे यही भोजन, ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं, ये होता है, ऑटो से पूरा आता है, पूरे रास्ते में खाना इन लोगों को दिया जाता है। चित्रकूट में मैंने अभी यहाँ पे थाली ली है खाने के लिए, और इसका जो प्राइस है वो मैं बताने से पहले आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें मुझे ये अनलिमिटेड थाली मिली है पहली चीज़ तो, और इसमें रायता मिला है, दाल मिली है, और 3 तरह की सब्जियाँ मिल रही हैं, और सलाद वगैरह है। तो इसका जो प्राइस है वो है टोटल 120 रुपीज़, 140 की भी थाली है, जिसमें आपको स्वीट डिश वगैरह, दही वगैरह, अलग से और भी कुछ चीज़ें, पापड़ वापड़ मिल जाएंगी। पर मुझे ये बहुत बढ़िया थाली लगी, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा, अशोक होटल में ही मैं खा रहा हूँ, यहीं पे स्टे भी किया है और यहीं पे खा रहा हूँ, अच्छा है, मतलब रोटी भी है और सारी चीज़ें सब अच्छी मिल रही हैं, और अनलिमिटेड भी है 120 रुपीज़ में, तो यहाँ पर आप आगे खा सकते हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। माता अनसुईया देवी टेम्पल के बाद हम गुप्त गोदावरी के लिए निकले। अब गुप्त गोदावरी में भी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये जाने का रास्ता है, लगभग 0.5 किलोमीटर हम लोग को चलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग गुप्त गोदावरी पर पहुंच जाएंगे। कैसा है क्या है टेम्पल ये तो जाकर ही पता चलेगा, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, और अगेन यहाँ पर भी कोई भी टूरिस्ट अभी तक नहीं दिख रहा है। गुप्त गोदावरी टेम्पल में दर्शन करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, और यहाँ का जो टिकट है एडल्ट का वो 20 रुपये का है, और जो 3 वर्ष से 12 वर्ष तक है उनका 10 रुपये का टिकट लगता है।
ये आप देख रहे होंगे गुप्त गोदावरी की प्रथम गुफा है। अभी पूरा अंदर सफाई वगैरह चल रही है तो ठीक से खुला नहीं है और काफी फिसलन वगैरह भी है। इस गुफा के अंदर श्री राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता के स्नान के लिए यहाँ गुप्त गोदावरी माता को प्रकट किया था, क्योंकि यहाँ माता सीता का स्नान कुंड है। यहीं पे राम दरबार लगा था और ये आप दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये, आप देख रहे होंगे पूरा। आप ये गुफा आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा देख के। गुप्त गोदावरी में दर्शन करके हम स्फटिक शिला के लिए निकले। अब मैं आ चुका हूँ स्फटिक शिला पे और माना जाता है कि यहाँ पर भगवान के राम के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं और यहीं पे माता सीता और राम आके बैठा करते थे। यहाँ पे जो दृश्य है यहाँ पे निहारा करते थे, ये आप देख रहे होंगे। यही वो शिला है और काफ़ी अलग ही शिला है, बहुत चिकनी सी है ये आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे भी कोई भी नहीं है आसपास में, पर ये बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारी सी प्लेस है। माना जाता है कि जब माता सीता इस शिला पर बैठी थी तभी इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे के रूप में माता सीता को चोंच मारी जिससे उन्हें रक्त बहने लगा। तब श्री राम ने अपने धनुष से कौवे की आँख में बाण मारी। तब से ही कौवा केवल एक आँख से ही देख पाता है। मेरे साथ अरुण जी हैं और चित्रकूट का जो भी टूर है हम इन्हीं के साथ कर रहे हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप कॉन्टैक्ट करके बुक करके इनके थ्रू घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको घुमा देंगे। अब हम लोग आ चुके हैं कामतानाथ टेम्पल में और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रास्ता है। कामतगिरी टेम्पल की परिक्रमा करने की बहुत मान्यता है और यहाँ आने वाले भक्त इस टेम्पल की परिक्रमा ज़रूर करते हैं। यहाँ पे मतलब अगर दर्शन करना हो किस तरह से पूरी परिक्रमा कैसे होती है? ये पूरा परिक्रमा है 5 किलोमीटर का जो कि दो कामतनाथ जी के 4 दरवाजे, चारों दरवाजों में अलग अलग दर्शन है। दूसरे में सुरागऊ है, तीसरे में लेते हुए हनुमान जी बराह के हनुमान जी जिन्हें बोलते हैं, और चौथे में सरयू धारा है जो वहाँ से पहले सरयू धारा बहती थी अब बंद हो गई, विलुप्त हो गई है। वो डायरेक्ट जल मंदाकिनी में माँ मंदाकिनी में जाता है, वहाँ पे लोग अभी भी बैठते हैं। अच्छा, ये कामतनाथ जी का मेन दर्शन ये है। तो आप देख रहे होंगे इसी तरह से यहाँ पे दर्शन करते हैं, टोटल 4 दरवाजे हैं। कामतगिरी टेम्पल से मैं वापस चित्रकूट आ गया और यहाँ की सबसे पॉपुलर प्लेस रामघाट पर गया। ये है रामघाट और अगर आप रामघाट में बोटिंग वगैरह करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ देने पड़ते हैं और आपको दूर थोड़ी सी यहाँ पे पुल दिख रही है वहाँ तक की लगभग आधे घंटे की राइड होती है, आप आराम से कर सकते हैं पूरी बोट की। और बाकी यहाँ पे टेंपल्स वगैरह भी कई सारे हैं रामघाट पे, आप टेंपल्स में जाके वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे शिव मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। अभी चूंकि कोरोना की वजह से बंद है शिव मंदिर तो अभी मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। बाकी यहाँ पे कई सारे टेंपल्स रामघाट पर ही हैं और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। रामघाट पर ही शिव मंदिर है और चित्रकूट आने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप दर्शन पूजन की सामग्री और प्रसाद चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। तो चित्रकूट की वीडियो आपने देख ही ली होगी और देखने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर घूमने में आपका क्या खर्चा आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होटल की। होटल यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो आपको 600-700 रुपये पर नाइट में नॉन एसी वगैरह रूम में मिल जाएगा, बट अगर आपको अच्छे से रहना है तो आप 1000 रुपये पर नाइट के लिए होटल का दे सकते हैं और आपको एसी रूम मिल जाएंगे 2 एडल्ट्स के लिए। तो अगर 1000 रुपये आता है 2 बंदे पे आपका तो 500 रुपीज़ का पर पर्सन पे कॉस्ट आएगा होटल का। इसके बाद आती है बात मील्स की। तो मील्स का यहाँ खर्चे की बात करें तो आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है, 500 रुपीज़ एक बंदे पे खर्चा आएगा। तो आपका पूरा एक दिन की यहाँ पे केवल ट्रिप होगी, एक दिन से ज़्यादा की नहीं होनी है, एक दिन में आप चित्रकूट की सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं।
इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक ऑटो से मैंने पूरी जो भी मेन प्लेसेस थी वो कवर कर ली। 400 रुपीज़ उसको मैंने दिया था, 400 रुपीज़ में सारी प्लेसेस कवर कर ली थी। और जो भी मेन सिटी में प्लेसेस हैं वो आप पैदल ही कवर कर सकते हैं, रामघाट के आसपास में ही प्लेसेस हैं, जैसे शिव जी का टेम्पल है तो ये सब प्लेसेस आसपास में ही हैं। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो आप अगर ऑटो इसी तरह से बुक करते हैं तो आपका 200-250 रुपये एक पर्सन पे टोटल खर्चा आने वाला है केवल ट्रांसपोर्टेशन का। तो पर पर्सन कॉस्ट टोटल आपका अप्रॉक्सीमेट क्या आ सकता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। होटल का आपका 500, मील्स का आपका आ जाएगा 500, मतलब 1000 रुपये इसका, और आप 250-300 रुपये रख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब 1300 रुपये का टोटल खर्चा चित्रकूट में आपका आने वाला है और आप आराम से यहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा लोग भी हैं तो आपके कुछ पैसे और भी बच सकते हैं। और बाकी जो भी लोकेशंस हैं प्लेसेस की वो मैंने उसकी लिंक मैप की मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख लेंगे तो आप आसानी से उन प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन पे भी आप चाहे तो आ सकते हैं यहाँ के, और यहाँ पर आकर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। लेकिन मानिकपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी उतर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। और सबसे अच्छा साधन मेरे अकॉर्डिंग ये होगा कि आप इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे आ जाएं प्रयागराज से, वहाँ से आप बस कर लें और बस से आप यहाँ पे आ जाएं, डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको 3 से 4 घंटे में चित्रकूट में पहुँचा देगी। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी, और आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।